तो जो अभी क्वेश्चंस आंसर हम लोग कर रहे थे, तो पिछले सेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, किसी को अगर क्वेश्चन हो तो ऐसे चैट में फिर से लिख दो, या अनम्यूट करके पूछ भी सकते हो जो लोग पूछ रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने पूछा है, हाँ कट ऑफ अलग होता है क्या, तो जैसे उन्होंने बताया एक तो बीएचयू वालों के लिए अलग कट ऑफ है, और बाहर से जो लोग जो बीएससी किए उनका अलग कट ऑफ होता है, और फिर दोनों कोर्स में इंटर कोर्स, मान लो बाहर के बच्चे हैं कोई सीयूईटी स्टेटिस्टिक्स क्वालिफाई करके आ रहा है, तो उसमें कट ऑफ का क्या रहता है दोनों कोर्स में, एक एमएससी स्टैट्स हो सर गया। एक्चुअली हाँ जी, सेम ही पेपर होता है जो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर होता है उसी पेपर के हाँ थ्रू दोनों, मतलब दोनों कोर्सेज में एडमिशन होते हैं। हाँ बट फर्क यही आता है कि जो यहाँ पे क्या है, जो स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग वालों में बीएचयू वालों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ पे सबके लिए सब लोग मतलब ओपन कॉम्पिटिशन होता है। बट जो अच्छा एमएससी प्योर स्टैट्स वाला कोर्स है उसमें दो कट ऑफ बनती हैं, एक होती है जो बीएचयू जनरल वाले कट ऑफ है, यानी कि जो बीएचयू वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी मतलब यहाँ से किए बीएससी, और एक होते हैं जो नॉन बीएचयू वाले होते हैं जो कि मतलब अलग यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं, उनकी कट ऑफ अलग होती है। तो जो बीएचयू से जिन्होंने बीएससी की है उनकी कट ऑफ एमएससी स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग में कम जाती है, इससे भी कम जाती है कट ऑफ उनकी। बट जो नॉन बीएचयू मतलब जो नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स रह चुके हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग के कंपेयर में, मतलब वो ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, 5 या 10 मार्क्स का फर्क होता है सर। जैसे हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि ईडब्ल्यूएस का लास्ट कट ऑफ वही 142 मार्क्स था, तो ये सेम चीज जो कोर स्टैट्स है यानी जो प्योर स्टैट्स है उसमें जो बच्चे जो बीएचयू ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनकी कट ऑफ 138 मार्क्स ही थी, या और फिर जो नॉन बीएचयू ईडब्ल्यूएस वाले थे उनकी कट ऑफ सर 150 मार्क्स के आसपास थी। तो वही मतलब बीच में आता है, स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग इन दोनों के बीच में आ जाता है। लेकिन जैसे कोई बच्चा बाहर का ही है, नॉन बीएचयू है, तो वो एमएससी स्टैट्स और एमएससी स्टैट्स इन कंप्यूटिंग, तो उन दोनों में कट ऑफ का थोड़ा कुछ मार्क्स, 2 मार्क्स का फर्क, 1-2 मार्क्स का फर्क होता होगा, फर्क होता होगा। हाँ, उसके लिए मतलब अब उसकी चॉइस पे डिपेंड कर रहा है, अगर उसके मार्क्स हाई हैं तो वो हाँ क्या तो प्रीफर कर रहा है। दोनों मिल जाएगा। तो अगर हाई मार्क्स हैं, जैसे क्या हुआ था कि हमारे टाइम पे जो टॉपर था सीवीटी का टॉपर था वो एमएससी स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स सर चूज किया था, उसके अच्छा 275 मार्क्स से हाईएस्ट, तो उसने हमारे कोर्स में एडमिशन लिया था। बट बाद में जब डीयू के रिजल्ट आए तो वो फिर वो बाद में डीयू का था तो डीयू चला गया वो, बट उसने एडमिशन यहाँ ही लिया था स्टार्ट में। हाँ अच्छा। फिर नेक्स्ट जो है, पहले मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या कोर्स होता है कंप्यूटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग में, तो कोर्स क्या फर्स्ट वही। सेमेस्टर में सर 5 पेपर्स होते हैं सर, हर सेमेस्टर में 5 पेपर्स होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में एक तो था आर प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है, और दूसरा था कि वही इन्फ्रेंस पढ़ाया जाता है, और फिर सैम्पलिंग का पेपर था, मेजर थियरी का एक पेपर था, और न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक पेपर था। तो यही 5 पेपर थे फर्स्ट सेमेस्टर के। ओके पूछ रही अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या है अटेंडेंस का। इसका सर थोड़ा है यहाँ कि जैसे जो प्योर सेट में जो बच्चे हैं तो उनमें क्लासेस की रेगुलरिटीज काफ़ी अच्छी हैं, मतलब काफ़ी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, बच्चे रेगुलरली अटेंड भी करते हैं। बट ऐसा जनरली हम भी आते थे तो हमारे आने के पहले भी ऐसा माना जाता था कि डीएसटी में बहुत टाइम मिलता है यहाँ पे स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग में, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को काफ़ी फ्री टाइम मिलता है। तो वो बात काफ़ी हद तक ठीक भी है कि यहाँ पे थोड़ी क्लासेस इरेगुलर चलती हैं, अगर टाइमिंग 11 बजे का है तो हो सकता है प्रोफेसर आपको बोले कि नहीं आज 11 नहीं 12 बजे होगी क्लासेस, अच्छा तो वो थोड़ी सी इरेगुलरिटीज हैं यहाँ पे, टाइम मिलता है आपको। बट इन चीज़ों की स्ट्रिक्टनेस, अटेंडेंस की स्ट्रिक्टनेस मतलब प्योर डिपार्टमेंट ज़्यादा है यहाँ पे, उतना नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इज देयर एनी प्री रिक्विजिट फॉर एनी कोडिंग स्किल्स दैट वी कैन लर्न सो एज टू गेट अ गुड प्लेसमेंट, मतलब पहले से कुछ सीख के आना होता है प्लेसमेंट के लिए, या वहाँ सीख सकता है वहां आके सब कुछ प्लेसमेंट के लिए। सर मैंने, मितुषी ने, हम लोगों ने पहले से कुछ, हमें कुछ नहीं आइडिया था कोडिंग का, हाँ मतलब कंप्यूटर साइंस तो मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था, तो जो चीज़ें सीखी हमने यहीं आके सीखी हैं सर। हाँ मतलब वहीं आके जो पता चला जैसे। बाकी हाँ, बाकी ये होता है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में आते ही, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बीच में इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज आती हैं कुछ कुछ कंपनीज की, तो अगर आपको इंटर्नशिप टारगेट करना है तब ये होता है कि जिसकी पहले से अगर मतलब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर वो स्किल्ड है तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है हमारे कंपेयर में। बट जब ओवरऑल प्लेसमेंट स्टार्ट होता है तब तक सारे बच्चे एक बराबर आ जाते हैं, क्योंकि तब तक सबकी तैयारी हो जाती है। बट अगर किसी को इंटर्नशिप टारगेट करना है तो ये है कि आप पहले से पाइथन सीख के हैं तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। मतलब हाँ, अभी जैसे एग्जाम के बाद आपके पास टाइम रहता है, अभी मार्च में एग्जाम हो, तो अप्रैल मई जून जुलाई में एडमिशन हुआ, 3-4 महीने हैं, तो
वो तुम सीख सकते हो। हम भी एक फ्री कोर्स लॉन्च करेंगे पाइथन का, फिर से पिछले साल भी किया था, तुम सीख सकते हो उसके साथ। हम फैकल्टी रखेंगे और लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मिलेगा, तो फ्री में पाइथन आप सीख सकते हो। ऐसे रिकॉर्डेड ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब पे हैं, आप देख सकते हो वहाँ से भी। लेकिन वीडियो देखने से थोड़ी पाइथन आएगी, कोडिंग लिखने से पाइथन आएगी। वीडियो देखने से किसी को पाइथन जी नहीं, सर, कोड लिखोगे तो कोडिंग आएगी। ये तो आगे है, प्लेसमेंट में फॉरेन कंपनीज आती हैं क्या? जी सर बिल्कुल आती हैं। मतलब आती होंगी। हाँ मेजॉरिटी ऑफ जो कंपनीज होती हैं वो सर ग्लोबल कंपनियां ही होती हैं। बहुत कम ही स्टार्टअप्स होते हैं जो कि मतलब इंडियन स्टार्टअप्स होते हैं, नहीं तो जो बड़ी कंपनियां आती हैं जैसे कि जो डेलॉयट है, ये खुद एक अपने आप में एमएनसी है। इस साल एक डेनमार्क की कंपनी आई हुई है सर, जो पिछले 5 साल से खाली ISI विजिट कर रही थी, नोवो नॉर्डिस्क, वो इस साल यहाँ विजिट की है। वो IIT भी नहीं जाती और DU भी नहीं जाती सर, यहाँ विजिट की इस साल 5 साल बाद। तो ऐसी फॉरेन कंपनियां ही हैं, जो एलआई लिली है वो भी अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, EY है हाँ वो UK बेस्ड कंपनी है। ये तो एक तो क्वेश्चन था, ये जैम किस ईयर में दे सकते हो? जैम थर्ड ईयर के बाद ही बेनिफिशियल है, दे तो कभी भी सकते हो, लेकिन यूज करोगे रिजल्ट जब थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर के बाद ही। BSc डिग्री चाहिए एडमिशन के लिए, है ना, जिनका ये क्वेरी है। आगे आ जाते हैं यहाँ पे, बाकी यही है स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग में BHU के स्टूडेंट रिजर्वेशन मिलता है क्या? हाँ ये तो बताया था इन्होंने कि होता है, ये दोनों कोर्स में नहीं होता है, लेकिन जो BHU स्टैट्स BSc स्टैट्स वाले हैं उनको सिर्फ MSc स्टैट्स में रिजर्वेशन है, स्टैट्स एंड जी कंप्यूटिंग सर, में नहीं। MSc स्टैट्स में और MSc बायो स्टैट्स में भी होता है। अगर आपको बायो स्टैट्स हाँ प्रीफर करना है तो बायो स्टैट्स में भी होता है, स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग में नहीं होता है। नहीं है ना। स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग एक्चुअली सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, तो ये मतलब यहाँ पे सबके लिए जनरल कॉम्पिटिशन ही है। हाँ कौन से कोर्स बेटर है दूसरे कंपटीशन में, ये पहले बता चुके हैं, तो जो लेट ज्वाइन किए वो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, बाद में बता दिया किस कोर्स का क्या बेनिफिट है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम ही है। Which one is better, joining Central University and preparing for JAM or taking drop and preparing for JAM? मतलब थर्ड ईयर बाद ड्रॉप लेके जैम प्रिपरेशन करें या फिर एडमिशन ले ले MSc में फिर जैम की प्रिपरेशन करते रहे, क्या लगता है आप लोगों को? सर ये तो अब पर्सनल ओपिनियन होता है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट मतलब काफी सारे बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पे, जैसे एक मेरा फ्रेंड ही था तो उसने MSc स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग सेम कोर्स में ही था, तो उसने यहीं से IIT कानपुर क्रैक किया लास्ट ईयर। अभी वो जैम क्लियर करके IIT कानपुर में है, बट बहुत से बच्चे हैं जो ड्रॉप लेके भी क्लियर करते हैं। तो बट ये होता है कि अगर आप यहाँ पे ज्वाइन कर ले रहे हैं तो आपके ऊपर दो प्रेशर्स होते हैं कि आपको अकेडमिक्स भी देखनी है साथ ही साथ जैम भी देखना है। बट अगर आप ड्रॉप ले ले रहे हैं तो वो आपको मतलब फुल फोकस करने का टाइम मिलेगा, तो वो पर्सनल चॉइस होती है कि आप कहाँ कंफर्टेबल हो रहे हैं। बट ड्रॉप लेना मतलब किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कॉम्प्रोमाइज करने से अच्छा, मतलब अगर BHU और DU को छोड़ के अगर आप किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो उससे अच्छा है कि ड्रॉप ले लें, क्योंकि प्लेसमेंट की सिनेरियोज बाहर बहुत खराब है। तो एक साल ड्रॉप लेना ज्यादा बेटर ऑप्शन है उस कंपेयर में। हाँ अदरवाइज BHU DU में सेम कंपनी जा रही है जो IITs में आ रही है, सेम प्लेसमेंट हो रहा है जो IITs में हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस जी नहीं जी है। सर और है ना, दो चीज़ साथ में करने से थोड़ा रिस्क भी रहता है, दोनों खराब हो सकते हैं, हो सकता है जैम भी ना हो और तुम्हारा MSc भी खराब हो जाए, ये भी रिस्क है। और अगर फुल फोकस प्रिपरेशन करोगे तो बेटर है, अगर IIT में ही जाना है तो वहाँ ईयर भी अगर नहीं जी निकलेगा तो ईयर भी जा सकता है, तो दोनों में प्लस माइनस ही अपना पर्सनल है, पेरेंट के थ्रू आप देखो, पेरेंट कैसे कन्विंस होते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट है सर, एग्जाम में कम दिन है, डर लग रहा है होगा नहीं होगा? सर कोई बात नहीं, हो ही जाएगा, प्रिपरेशन कर रहे हो तो हो ही जाएगा, डरना क्या है, प्रिपरेशन कर रहे हो तो हो ही जाएगा, बस एग्जाम अच्छे से दो यही जरूरी है। फिर पूछ रहे हैं इंटरव्यूज इंग्लिश में होते हैं क्या, जो प्लेसमेंट वाले इंटरव्यूज कैसे होते हैं, इंग्लिश में होते हैं? जी, सर पूरा इंग्लिश में होते हैं। मतलब एक आध कंपनियां होती हैं जो मतलब जैसे एक कंपनी कनेक्ट है और तो उनके फाउंडर यहीं BHU के ही रह चुके हैं, हमारे कोर्स के एलुमनाई रह चुके हैं वो, तो वो थोड़ा सा बोलते हैं कि चलो अगर नहीं आ रही इंग्लिश तो आप हिंदी में बोलो, नहीं तो जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके लिए इंग्लिश कंपलसरी है सर। हाँ ज़्यादा तो मुझे भी अपना टाइम याद आ रहा है, तो मोस्टली इंग्लिश प्रेफर करते हैं लोग। हाउ डिफिकल्ट इज CUET पेपर फॉर स्टैट्स कंपेरेटिवली, तो हाउ डिफिकल्ट, मैं कैसे समझाऊंगा किसके कंपैरिजन में बाकी सब्जेक्ट, वो तो डिपेंड करता है ना, मैं स्टैट्स बैकग्राउंड का हूँ तो मेरे लिए सबसे आसान स्टैट्स ही निकालना है। अब मैं कंप्यूटर साइंस CUET दूंगा या मैथ दूंगा तो नहीं निकलेगा, तो पक्का है।
तो जो जिस फील्ड में उसके लिए आसानी है। तो अपने सेमेस्टर एग्जाम का लेवल कैसा रहता है वहाँ पे, क्या रहता है सेमेस्टर सेमेस्टर कैसा? एग्जाम से बताओ। हाँ सेमेस्टर कैसे होते हैं एग्जाम से? कुछ क्लास टेस्ट होते होंगे, फिर मिड सेम एग्जाम, एंड सेम, ऐसा होता है आईआईटी वाला सिस्टम? पहले मिड सम एग्जाम्स होते हैं, एंड सम होते हैं। फर्स्ट तो मोस्टली इजी रहता है, उसके टॉपिक सब लोग जी में पढ़े रहते हैं, तो फर्स्ट सेम तो काफी स्मूथ चलता है। और बाकी यहाँ पे यही है, प्रोफेसर जो एग्जाम में मूवी वही आपका ज्यादा ज्यादा क्लासेस अटेंड कर रहा है, नोट्स बना रहा है, तो उसके लिए टफ नहीं होंगे सेमेस्टर एग्जाम, तो क्लासेस सही रहते हैं। अटेंड करोगे, थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आसान रहेगा। बिल्कुल। तो यस, एडमिशन यहाँ ले लिया है तो क्लास अटेंड सेल्फ से पास करना, करना सेल्फ मुश्किल नहीं स्टडी होगा। करना, तो पेपर टफ है, तो इंटरनेट कट गया ना। तो उसके बाद क्या हुआ, HCU इज गुड ऑप्शन फॉर एमएस स्टडी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एक तो स्टेटिस्टिक्स में दो तीन यूनिवर्सिटी ठीक ठाक, डीयू, बीएचयू है, एक इधर तमिलनाडु, क्या नाम है उसका, इधर था एक साउथ में ना कोई, जहाँ लोग प्रेफर करते हैं थोड़ा क्राइस्ट सा। क्राइस्ट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से, मतलब अच्छा बैंगलोर क्राइस्ट की वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, मतलब प्लेसमेंट वहाँ यूनिवर्सिटी। अच्छा है यहाँ अच्छा कंपेयर। ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसा है एमएस स्टैट्स के लिए, आइडिया है? जी सर, एक्चुअली क्या है कि पढ़ाई वहाँ की बहुत ही रिग्रेस है सर, मतलब कि जो सिलेबस है जिसको पीएचडी के लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जाना है तो वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। बट प्लेसमेंट का सर वहाँ पे ऐसा है कि वो जो सिलेबस है वहाँ का, क्योंकि कोई स्टैट्स डिपार्टमेंट वहाँ पे अलग नहीं है, वहाँ पे एक ओआर का डिपार्टमेंट है, उसी के अंडर में स्टैट्स का कोर्स चलता है। तो प्लेसमेंट्स जो है तो प्लेसमेंट्स काफ़ी टफ होती हैं, और सेमेस्टर एग्जाम्स बहुत टफ होते हैं वहाँ पे क्रैक करना। सेमेस्टर एग्जाम्स में काफ़ी लोगों की बैग आती है वहाँ पे, तो अच्छा टफ है थोड़ा सा, मतलब यहाँ के बीएचयू और डीयू के कंपेयर में बोलूंगा सेमेस्टर पास करना एचसीयू में ज़्यादा टफ है। ओके। इज देयर एनसीसी स्पोर्ट्स रिजर्वेशन, ये सब रिजर्वेशन मिलता है एंट्रेंस में? नहीं सर, मैंने तो नहीं सुना ऐसा मुझे भी कुछ। नहीं पता ना, ये सब एंट्रेंस में ये सब शायद नहीं मिलता। आई मीन हाउ डिफिकल्ट इज द सीयूईटी पेपर फॉर स्टैट कंपेयर टू जैम? तो जैम में कंडीशन इजी होगा ना, सीयूईटी इज इजी पेपर, इजी है। अच्छा सेमेस्टर एग्जाम में कितना मार्क्स आना चाहिए ताकि प्लेसमेंट पर कोई दिक्कत ना हो, मतलब प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा रहता है क्राइटेरिया कंपनीज का कुछ, सीजीपीए का? कुछ कुछ कंपनियों का होता है, जनरली अगर आपका 7 CGPA प्लस है आपका तो आप सब सारी कंपनीज के लिए एलिजिबल हैं। और कुछ कुछ कंपनियां होती हैं, जैसे डेलॉयट में ये हुआ था कि सर CGPA के बेसिस पे चीज़ें शॉर्टलिस्ट हुई थी, तो अगर आपके CGPA अच्छे हैं तो आप उन स्टूडेंट्स में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे जिनको इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है। तो अच्छा CGPA मेंटेन करना ज़्यादा अच्छी बात होती है, बट जनरली अगर आप 7 CGPA भी मेंटेन कर ले रहे हैं तो फिर आप सारी कंपनीज के लिए एलिजिबल हैं यहाँ पर। तो ये पूछ रहा है फर्स्ट सेमेस्टर कब स्टार्ट होता है और सेकंड सेमेस्टर? सेमेस्टर से टाइम क्या है, मतलब जनवरी में, अभी तो क्या जुलाई में शुरू होता होगा सेमेस्टर, क्या रहता है? सर एक्चुअली हमारे टाइम पे क्या था कि कोरोना के टाइम पर चीज़ें लेट चल रही थी, तो हमारे टाइम पे चीज़ें लेट स्टार्ट हुई थी। हमारे टाइम पे 20 नवंबर को हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, बट अच्छा जनरली अगर चीज़ें टाइम पे चलें तो फिर वही है कि जुलाई अगस्त के आसपास स्टार्ट हो जाती हैं, और वही 3.5 से 4 महीने का एक सेमेस्टर का ड्यूरेशन होता है। हाँ चलिए, ये जैसे जुलाई अगस्त में स्टार्ट होता है, वो नवंबर दिसंबर में खत्म हो जाता है, नवंबर में पूरा दिसंबर छुट्टी रहता है, हाँ फिर जनवरी में शुरू होके फिर अप्रैल में खत्म हो जाता है, अप्रैल मई में, फिर जून जुलाई में छुट्टी रहता है। यूजी का सीजीपीए प्लेसमेंट में मैटर करता है क्या, ग्रेजुएशन का? जनरली नहीं करता सर, बट यही है कि कुछ कुछ कंपनियां होती हैं, जैसे कि डेलॉयट ही जहाँ पे हमारा हुआ है, तो यहाँ पे डेलॉयट हो गई, एक्सेंचर हो गई, तो इन्होंने मांगे थे कि यूजी कट ऑफ, यूजी के मतलब सीजीपीए भी इन्होंने मांगे थे कंसिडर करने के लिए। तो कुछ कुछ कंपनी उसके लिए मैटर करता है बट जनरली नहीं करता। अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप, क्योंकि इन दोनों कंपनियों को छोड़ के बहुत अच्छी कंपनियां हैं, तो उनके लिए नहीं मैटर करता, बट इनके लिए मैटर करता है। ऐसे हाँ, कट ऑफ एससीयू का ज्यादा ज्यादा है या बीएचयू डीयू का बता दो, ये तो ऑब्वियस सर ये तो बीएचयूडीयू का कट ऑफ ज़्यादा है है। ऑब्वियसली, हाँ क्योंकि लोग क्योंकि प्रेफरेंस रखते हैं प्लेसमेंट बीएचयू। कट ऑफ जो जाते हैं, हाँ प्लेसमेंट देख के जाते हैं।
चलो, तो मुझे लगता है अब क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है किसी ने, व्हाट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन सीयूईटी एंट्रेंस। अच्छा बताओ, क्या लगता है आप लोगों को क्या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है? सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं था, बट मेरे टाइम पे सर मैंने इंटीग्रल कैलकुलस छोड़ के लगभग सब कुछ चीज़ें पढ़ी थी, अच्छे से पढ़ी थी। क्योंकि अभी आपके एग्जाम, इस बार जो एग्जाम होना है 75 क्वेश्चन आने हैं टोटल, और उसमें 50 स्टैटिस्टिक्स के होंगे, 25 मैथमेटिक्स के होंगे। जनरल एप्टीट्यूड इस बार नहीं है, पिछले साल था, इस बार नहीं है। तो वो है, देख लो सिलेबस, अपने प्रीवियस से पेपर देख लो, आइडिया लग जाएगा। थोड़े रैंडम वेरिएबल ये सब कर लो, बेसिक चीज़ें जाएगा ये है। स्टैट्स, इन्फेरेंस, अगर कोई ये सब कवर कर लेता है तो मोस्टली क्वेश्चंस बन। सर आप म्यूट हैं। सर आप म्यूट। ओ हाँ, मैं ये कह रहा था, हमने काफी आंसर्स किए हैं क्वेश्चंस के, जो था ऑलमोस्ट हो ही गया। अब हम स्टॉप करें कुछ देर में, तो एक एंड में किसी को कुछ रह गया हो तो पूछ सकते हो। क्या बोल रहा है, स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग से एमए भी होता है क्या? ये क्या है, एमए भी हो? नहीं सर अच्छा एमए नहीं होता, अच्छा जो एमए प्योर वाला जो एमएससी स्टैट्स वाला जो कोर्स है, okay. तो वो उसका नाम ऐसे होता है कि एमएस स्टैट्स और एमएससी स्टैट्स, तो वहां से एमए होता है, बट एमएससी स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग से खाली एमएससी होती है। अच्छा, तो मॉक टेस्ट में मार्क्स कभी 200+ जा रहा है, कभी 100 बिलो हो रहा है, क्या करें क्या? नहीं, बहुत सारे मॉक टेस्ट देखते, आइडिया मिल जाएगा आपको क्या आपके एक दो में ऐसा होगा, बट ओवरऑल आप देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो हो सकता है कोई इजी पेपर हो तो बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आओगे आप, मुश्किल है तो बहुत कम लाओगे, तो ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे ही होगा, मेन एग्जाम डिफिकल्ट आएगा तो कम आएंगे आपके। तो एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करता है ना, बट कोशिश करो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप उस पेपर में, जितना ज़्यादा कर सकते हो एटलीस्ट वो कोशिश करो। ये है, बी एच यू और डी यू में हाइएस्ट कट ऑफ किस में जाता है? सर मुझे लास्ट ईयर का तो नहीं आइडिया है कि क्या था, बट हमारे टाइम पे क्या था कि दोनों अलग अलग एग्जाम्स हुए थे, सीवीटी में बीएचयू मिल रहा था हाँ और डीयूईटी हाँ का अलग एग्जाम कंडक्ट अलग हुआ हुआ था, था। तो ऐसे कोई कंपैरिजन तो नहीं है, बट यही होता है कि जो बच्चे जनरली डीयू के होते हैं, जिन्होंने अपनी बीएससी डीयू से की होती है, तो वो डीयू प्रीफर करते हैं, जो बच्चे बीएचयू से पढ़े लिखे हैं वो बीएचयू प्रीफर करते हैं, बहुत और ज्यादा जो डिफरेंस अगर एक नहीं था। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, वो स्टूडेंट्स के चॉइस पे होता है, जैसे अब बहुत से लोग होते हैं जो टायर वन सिटीज के होते हैं, तो वो लोग ऑब्वियसली डी यू प्रीफर करेंगे रहने के लिए, बट मैं वहां एक्सेप्शन था कि मैं यहाँ आ गया। हाँ वही तो जनरली। हाँ मतलब पिछले साल जो कट ऑफ था, जो मुझे बच्चों ने बताया, कुछ लोगों से पूछा मैंने, तो लास्ट एडमिशन जो हुआ था जनरल का 156 अराउंड था आउट ऑफ 400, अच्छा, तो फिर 156, डीयू का 153 के आसपास था, और सॉरी डीयू का 156 था, बीएचयू का 153 था, तो ये अराउंड लास्ट एडमिशन का आई थिंक वो था। तो ये है, बाकी बच्चे 200+ वाले भी थे, तो जितना अच्छा मार्क्स लाओगे उतना अच्छा आपका प्रेफरेंस रहेगा। ओके, आपके कितने नंबर आते थे सीयूईटी में? तो उस समय इन लोगों ने दिए थे, उस समय 400 मार्क्स के एग्जाम हुए थे आप लोगों के टाइम पे, अब 300 मार्क्स का एग्जाम है। सर तो मार्क्स बताना चाहोगे क्या मार्क्स उसमें क्या छुपाना है सर, मेरे 145 मार्क्स थे, था? मेरे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एडमिशन हुई थी यहाँ पे, और मैं ईडब्ल्यूएस का सेकंड लास्ट कैंडिडेट था जिसकी एडमिशन यहाँ हुई थी। हाँ कोई दिख रही, अच्छा है, एडमिशन होना इम्पोर्टेंट है, अब प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी जगह हो गया है। जी सर, यस सर, एंड सर मेरे भी 155 मार्क्स थे, मेरा भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ही एडमिशन हुआ था। हाँ तो देखो अराउंड, अगर तुम लोग 150 के प्लस आसपास मार्क्स ले आते हो, प्लस कर लेते हो, तो एडमिशन में चांसेस हैं, ये चीज़ है। तो और लगभग हर बच्चे इसी रेंज में होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा गैप नहीं होता मार्क्स का ये। चलो तो अभी क्या है, SC ST कट ऑफ बता दीजिए, DU BHQ। तुम लोगों का क्या है यार, 300 मार्क्स का है, 300 में तुम 100 नंबर ले आओ, हो जाएगा एडमिशन, ठीक है, 100+। तो मुझे ज्यादा ही बोल दिया, मुझे लग रहा है उससे कम पे भी होता होगा SC ST में, जी जी सर, है 50 मार्क्स, 50 मार्क्स एससी ना? एससी के लिए 50 मार्क्स होती तो हैं, एसटी टाइम पे 49-50 पे हो गए थे मार्क्स, 49-50 मार्क्स है ना, वही कह रहा हूँ, 49 मतलब 300 में से तुम 50 नंबर ले आओगे तो एडमिशन हो जाएगा। ये है,
दिन में कितनी क्लासेस होती होंगी बीएचयू एमएससी स्टैटिस्टिक्स में, एमएससी एलसी में? वालों की तो पक्का हो जाएगा सर फिर तो। हाँ हाँ, लेकिन वो भी नहीं ला पाते ना, दिक्कत ये है 50 भी नहीं ला पाते क्योंकि पढ़ते, क्योंकि रिजर्वेशन के भरोसे पढ़ते नहीं है ना, दिक्कत ये है, पढ़ेंगे तो आ ही जाएगा। ओके, तो आप लोगों ने बीएचयू सेंट ग्रेजुएट्स के, नहीं, ये जो अभिलाष है ये बॉम्बे से हैं, इन्होंने वहां से बॉम्बे मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। जो मितोषी हैं वो बिहार से हैं, पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। ठीक है, ये सब आउटसाइड बीएचयू के बच्चे हैं जिन्होंने बीएचयू में एडमिशन लिया है, ये चीज है। चलिए, तो बीए के बाद कंप्यूटिंग का कोर्स में एडमिशन मिल सकता है क्या? मेरा बीएचयू से बीए स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स है, तो मिल ही जाएगा। जी सर, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। अच्छा, क्लासेस कितनी होती हैं? तो शेड्यूल क्या रहता है क्लासेस का, मतलब दिन में कितने घंटे डेली? सर वही मिनिमम 3 से 4 क्लासेस चलती हैं, कभी कभी 3 क्लासेस चलती हैं, कभी कभी ये होता है कि 2 ही क्लासेस हो रही हैं, क्योंकि वो टाइम टेबल जिस हिसाब से शेड्यूल किया गया है। जैसे अभी हम लोग 4th सेमेस्टर में हैं, तो अभी ये होता है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन हमारी खाली 2 2 क्लासेस ही चलती हैं, बाकी ये 3 दिन 3 3 क्लासेस चलती हैं। लैब हो रहा है तो लैब अलग से बट चलती सर हैं। एमएससी स्टैटिस्टिक्स में इसके कंपैरिजन में ज्यादा क्लासेस होती है। एमएससी वालों का डेली ऐसे 3 क्लासेस उनकी बेस रहती अच्छा, उनके डेली 3 क्लास। आप लोगों को प्रोजेक्ट भी रहते हैं एमएससी के दौरान? प्रोजेक्ट, कोर्स प्रोजेक्ट जो होता है। है। जी 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 सर, अभी लास्ट सेमेस्टर में ही है। अच्छा, लास्ट सेमेस्टर में रहता है, प्रोजेक्ट प्रोफेसर के अंडर करते हैं या? ओके, जी। तो ठीक है, आई थिंक। तो हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन हमने किया, और बाकी शुरू में कुछ इंट्रोडक्शन हुआ, और एक बार बस, तो लास्ट में मैं चाहूंगा एक बार बस समराइज कर देता हूँ। तो जो भी हमने बीएचयू के कोर्स से रिलेटेड डिस्कशन किया, तो उसमें 3 कोर्सेज बीएचयू में हैं, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमएससी मैथ स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग, एमएससी बायो स्टैट। सीटें अराउंड एमएससी स्टैट्स में 75 है, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग में 55 है, बायो स्टैट्स में 20 सीटें हैं। कट ऑफ अराउंड बताया था, जैसे इन लोगों के टाइम पे 145 के प्लस पे एडमिशन हो गया था, है ना, ईडब्ल्यूएस वालों का उस समय अराउंड, और ये था मतलब 150 प्लस सेफ जोन है, उस समय 400 मार्क्स का एग्जाम हुआ था तो उस पे। और बाकी यही सब हमने डिस्कस किया। प्लेसमेंट अच्छी है, डीयू बीएचयू दोनों की प्लेसमेंट अच्छी है, ये दोनों टॉप यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया की, सीयूटी के थ्रू डीयू बीएचयू टॉप यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ अगर आप एडमिशन लेते हो, अच्छे से मेहनत करते हो, इन लोगों का भी अच्छा प्लेसमेंट हो गया है, डेलोइट बहुत अच्छी कंपनी है और मैं जानता हूँ ये, तो उसमें बहुत अच्छे पैकेज पे इनका प्लेसमेंट बीएचयू से हुआ है। तो बाकी फिर भी किसी को कुछ क्वेरी रहेगा तो मैं इनका नंबर शेयर कर सकता हूँ, अगर कुछ ऐसा रह जाता है तो बात कर सकते हो। बायोस्टैट्स में प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, शुरू में इन्होंने मित्र ने बताए थे कि बायोस्टैट्स में कोई बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि इनका अलग प्लेसमेंट सेल है। ठीक है, हाँ, प्लेसमेंट परमानेंट ही होता है, वो परमानेंट ही है, अच्छे से वहाँ काम करो। तुम बाद में लोग अलग स्विच कर लेते हैं ना ग्रोथ की वजह से, कि एक कंपनी में काम किए 1 2 साल, पर दूसरे कंपनी में स्विच कर लेते हैं, वहाँ अच्छा पैकेज मिलता है, तो वो करते रहते हैं स्विच लोग, परमानेंट ही होता है। बायोस्टैट्स का कट ऑफ कंप्यूटिंग से कितना नीचे है? तो कम होता होगा थोड़ा सा। जी सर, मतलब काफ़ी कम होता है वहाँ। अगर जनरल में, जनरली अगर आप 100 110 मार्क्स से जनरल कैटेगरी से, तो आपका एडमिशन हो जाता है। मतलब 110 प्लस, जी जी सर, 110 प्लस। हाँ 110 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है, और बाकी सीयूईटी का प्रिपरेशन अभी बच्चे कर रहे हैं, तो आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। और तो मैं एंड में थैंक यू बोलना चाहूँगा मितुषी एंड अभिलाष को, कि आप लोगों ने बच्चों के काफ़ी क्वेरीज सॉल्व किए, और बहुत क्वेरीज था, तो मुझे भी था कि मैं तो बहुत ज़्यादा जानता नहीं बीएचयू के बारे में, तो एक मुझे भी हेल्प हुआ, मुझे बहुत कुछ जानकारी मिली अभी, तो आगे मैं बच्चों को बता पाऊंगा ये सब चीज़ें, ये है। ओके, सो आई थिंक मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक बोला चाहूंगा यही मैं। थैंक है, थैंक यू यू अभिलाष, सर, थैंक आप यू, हाँ लोगों ने। थैंक यू ऑल, थैंक यू एंड गुड नाइट, थैंक थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, यू सो मच सर। ठीक है, बाय। हाँ।